Good morning, children. How are you? Fine. એટલે તમે લોકોને સ્કૂલે આવવાની ઈચ્છા નથી થતી? હે, નોટ મિસિંગ યોર સ્કૂલ? વી આર રિયલી મિસિંગ યુ. વી આર રિયલી મિસિંગ યુ બીકોઝ ફ્રેન્કલી સ્પીકિંગ enjoying this work, but not that much. As we are sitting in front of us, we are having healthy discussions. Maja, masti, number of examples, debates, all these things. I appreciate all these things. I like all these things. As far as school is considered, literally, in the morning I was thinking, before shooting this lecture, okay, now it is too much. This corona has turned our heads upside down. Sir se dimagi chala gaya hai. Kyunki akele akele bolte 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 malum hi nahi hum kya bolte hain. Aur kuch bhi samjhana hota hai to time ka limitation pabandi aa jata hai. Kitne aise sare topic mein hai batata hu. Kai aise sare topic hai जिसका डिस्कशन करने में बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है. लेकिन क्या करें बच्चों, मैं आपको बार बार मैं बोलता हूँ ना, बिकॉज वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम. 40-45 मिनट्स हो जाते हैं तो उसमें क्लिक का बटन आ जाता है, टूम 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 हो जाता है. सर तो चलो भैया वीडियो खत्म करो, कोई बात नहीं. भगवान से आप प्रार्थना करना, मेरे तो वो सुनता नहीं, आपकी शायद सुनेगा, शायद आपकी सुनेगा. भगवान अब तो कुछ करो यार, स्कूल जाना है, 8-10 महीने से घर पे बैठे हैं. किचन में सो वेरी गुड मॉर्निंग टू यू. भूल गया मैं, थोड़ा सेंटिमेंटल हो गया था. सो वी आर इन लेक्चर नंबर 4 ऑफ चैप्टर 11 इंडियन जुडिशियरी. राइट नाउ सी चिल्ड्रन, लेट अस quickly revise first 3 lectures which we have taken. Lecture number 1 was a total introduction, and I told you something about connected to one or two movies also rather. Right? I hope you enjoyed or search that things. मैंने आपको नाम सही बताया था, ढूंढना भैया घर पे, including girls, not only boys. मेरे लिए तो दोनों आंख समान है, ये लड़की है तो ये लड़का है, मेरे लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर मैं शायद ऐसे बोलूँ कि भैया ऐसा करना हो तो गर्ल्स डोंट फील बैड कि सर बॉयज को ही सपोर्ट करते हैं, हमको तो याद ही नहीं करते. आप भी सब मेरी बेटियाँ हैं, यू आर ऑल माय चिल्ड्रन. और माँ बाप कभी लड़का लड़की में कभी फर्क महसूस ही नहीं करते. हम भी आपके पेरेंट्स हैं, जैसे घर पे आपका पेरेंट्स है, हम इधर आपके पेरेंट्स हैं. कोई भी पेरेंट्स के लिए उसका लड़का है लड़की दोनों एक ही होते हैं. सो गर्ल्स एंजॉय योर सेल्फ, ओके बेटा. आप भी देखना, क्योंकि ये जानकारी आपको कब काम आएगी कि कल आप अपना ग्रेजुएशन कर लो, अपनी पढ़ाई कर लो, तब जाके जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाते हो, टेक फॉर एग्जाम्पल UPSC, GPSC और कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, अभी आप KBC देख रहे हो, बराबर है? तो ये जो पढ़ने वाले क्वेश्चंस होते हैं, कई क्वेश्चंस इसमें आते हैं, आपको भी ऐसा लगता है ये तो इसका आंसर है, ये तो इसका आंसर है, बोलने को आता है. और वो आंसर शायद 10-15-20 लाख का होता है, और उधर जो बैठे उसको नहीं आता स्किप कर देते हैं गेम. सही बात है ना? तो नॉलेज की क्या बात है कि जितना आप बटो उतना कम है बेटा, जितना आपके पास है, जितना आपके पास है वो कम ही है, उसकी कोई गारंटी नहीं है. ऐसे समझ में, जितना आप इकट्ठा करो वो कम ही आपको लगता है. तो मैंने तो ये सारी किताबें फिजिकली पढ़ी है, क्योंकि हम जब आपकी उम्र के थे तभी मोबाइल्स और
इंटरनेट वो सब नहीं थे, तो हमको ये जानकारी वाया मिलती। जैसे मैं आपको बताता हूँ, आप अपने दोस्त को बताते, वो उसके दोस्त को बताता, ऐसे ऐसे हमको मिलती थी। हमारे टीचर्स हमको बताते थे, हमारे जो कॉन्वेंट में, मैं कॉन्वेंट में पढ़ा हूँ, तो हमारे जो सोशल साइंस के टीचर बहुत बढ़िया थे, मिसेस जोशी, शी वॉज एक्सलेंट टीचर। आई हैव नेवर सीन सच अ टीचर इन माय लाइफ रादर इन दिस प्रोफेशन सिंस आई एम 30 इयर्स आई हैव नेवर सीन दिस टाइप ऑफ पर्सन स्टिल शी इज लिविंग बहुत 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 शी हैज ऑलमोस्ट क्रॉस्ड 87 इयर्स जस्ट लास्ट दिवाली आई मेट हर टू विश हर स्टिल आई मीट हर माय माय टीचर ऑलमोस्ट शी इज 88 वो हमको ये सब जानकारी दे रहे थे, जैसे मैं आपको देता हूँ। तो हम फिजिकली लाइब्रेरी में से ऐसे ऐसे बुक्स ढूंढ के थे कहीं से भी, और ये सब फिजिकली रीड करते थे। लेकिन आप तो सब कुछ नेट पे मिलता है, तो आप थोड़े लकी हो, राइट? तो काम करते हैं, काम की बात करते हैं। इंडियन जुडिशियरी सिस्टम, फर्स्ट लेक्चर वॉज इंट्रोडक्शन लेक्चर। Second lecture, I told you about what is meant by judicial system, what is the importance of Supreme Court, and how Supreme Court acts as a guardian of Constitution. वैसे माने तो district court और high court पे काम ज्यादा रहता है, लेकिन उसको क्या करना पड़ता है? They are just connected to civil or semi-civil or criminal or semi-criminal cases. उसको constitution, ये state की लड़ाई, central state की लड़ाई, बड़ी बड़ी जो लड़ाइयाँ होती हैं उस पर उसका कोई importance नहीं है, क्योंकि ये सारी लड़ाई Supreme Court में चलती है। So, Supreme Court is a very very hectic and mind-blowing schedules every day, क्योंकि उन लोग को ऐसे, और सुप्रीम कोर्ट में ऑलमोस्ट हाई प्रोफाइल केसेस ही आ गए हैं। आप अपने पेरेंट्स से पूछना, सुप्रीम कोर्ट के जो प्रैक्टिसिंग लॉयर्स है, कई सारे लॉयर्स तो पॉलिटिशियंस भी है। मान लो कि हमारे लास्ट NDA टर्म में जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, जो भी गुजर चुके हैं लास्ट टर्म पर, मिस्टर अरुण जेटली, ही हिमसेल्फ वाज अ प्रैक्टिसिंग लॉयर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। उसके पहले का एजुकेशन मिनिस्टर थे NDA का UPA गवर्नमेंट में, मिस्टर कपिल सिब्बल। हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, अभी बेल पे रिहा हो रहे ईडी के सिकंजे आ गए थे, पी चिदंबरम, he is also going on Supreme Court, right? spokesman, national spokesman, जिसको राष्ट्रीय प्रवक्ता बोलते हैं, right? संबित पात्र है भाजपा के लिए, कांग्रेस के लिए अभिषेक मनु सिंघवी है, और कई सारे ऐसे लॉयर्स हैं। आपने शायद वो वेब सीरीज देखी होगी स्कैम, देखा है? सबने देखा है। तो उसमें जो मिस्टर हर्षद मेहता के लॉयर जो बताते हैं, राम जेठमलानी, ही वाज वंस ऑफ दैट टाइम द मोस्ट हाईएस्ट पेड लॉयर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इसकी फीस जो होती है ना, वो मिनट के हिसाब से चलती है, चार्ज के हिसाब से चलती है। उसका चार्ज ऐसा होता है कि एक सिटिंग में हम पूरा बिक जाए तो भी उसका चार्ज हम नहीं चुका सकते। मतलब दे आर हाई प्रोफाइल के, बिकॉज ये स्टेट और गवर्नमेंट की बात ही नहीं है, ऐसे बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियल हाउसेस के झगड़े होते हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट में निपटाए जाते हैं। टेक फॉर एग्जाम्पल, अभी ये आज मैं जो लेक्चर शूट कर रहा हूँ, आज से दो दिन पहले I have got one verdict of Supreme Court, because at present very high profile case is going in Supreme Court.
case of Tata Group, Tata versus Silent versus Mistry, उसका नाम तो मैं भूल गया, जो टाटा के चेयरमैन थे उसको निकाल दिया था क्योंकि उसका काम अच्छा नहीं था, और फिर रतन टाटा ने सब बागडोर संभाल ली। वो मामला NCLT में गया और NCLT में ये अभी ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है, तो अभी उसका केस चल रहा है। एंड यू नो व्हाट इज मीन बाय टाटा ग्रुप, टाटा ग्रुप इज ऑलमोस्ट $100 billion प्लस ग्रुप। अगर आप टाटा के समूह की बात करो तो टाटा स्टील है, टाटा मोटर्स है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है, दुनिया की सबसे बढ़िया सॉफ्टवेयर कंपनी TCS। शायद आपके पापा कोई शेयर बाजार का काम करते हैं तो उसको पूछ लेना व्हाट इज मीन बाय TCS। तो इतनी बड़ी बड़ी जो कंपनी के मालिक होते हैं उसका भी वैसे डिस्प्यूट चल रहा है अभी एक्विजिशन के लिए, कंट्रोल के लिए कंपनी पे, राइट? तो अभी वो मामला भी सुप्रीम कोर्ट में, तो दोनों साइड से मान लो कि जो जो लॉयर्स है वो लॉयर्स दोनों को डिफेंड कर रहे हैं, तो उसकी फीस कितनी होगी, राइट? टाटा सन्स की तरफ से जो लॉयर है वो उसको डिफेंड कर रहे हैं, टाटा ग्रुप की तरफ से जो लॉयर है वो उसको डिफेंड कर रहे हैं। एंड व्हाट इज द वैल्यूएशन ऑफ टाटा ग्रुप, यू नो आई कैन टेल यू टाटा ग्रुप हैज ऑलमोस्ट मोर देन 100-150 प्लस स्मॉल एंड बिग कंपनीज। उसमें एक ही मैं आपको बताता हूँ, उसकी जो सबसे बड़ी फ्लैगशिप कंपनी है TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, उसका ये मार्केट कैपिटलाइजेशन 10 लाख करोड़ के ऊपर है आज के हिसाब से। TCS के शेयर्स के जो दाम है उसको आप मल्टीप्लाई करो तो इट कम्स टू अ वूफिंग फिगर ऑफ मोर देन 10 लाख करोड़। 10 लाख करोड़, सबसे बड़ी कंपनी भारत में रिलायंस है, उसके बाद TCS है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, इट इज रैंकिंग नंबर 2 इन मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो ये इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती है उसके मालिक राजा महाराजा से भी ज्यादा सोफिस्टिकेटेड जिंदगी जीते हैं। तो उसके जो केसेस चलते हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो देखो उसके लिए जो लॉयर्स रिप्रेजेंट करते हैं तो उसकी फीस हम सोच भी नहीं सकते। That is all the अलग लेवल better, we cannot imagine। लेकिन मैं आपको बताऊँ एक बात कि किसी को भगवान कोर्ट कानून ना बताए, मतलब कोर्ट कानून से दूर रहे, वो मैं ऐसा सोचता हूँ। अभी तो ये टॉपिक इसलिए हम बात कर रहे हैं, इट इज़ नॉट अ गुड थिंग, सब कुछ खत्म हो जाता है, राइट? सो अल्टीमेटली यू नो मोर अबाउट सुप्रीम कोर्ट, लेसन इतना इंटरेस्टिंग है, मेरे पास जितना नॉलेज मैं बांट सकता हूँ आपके साथ बांटता हूँ। टाइम लिमिट है तो भी कई सारी बातें आपको बताता हूँ ताकि आप सर्च कर सको, और इसमें लिखा है या मेरे पास जो जानकारी है उससे भी आप ज़्यादा जानकारी डेवलप कर सको। मेरे को तो अच्छा लगेगा ऐसे कि चलो बच्चे लोग को इंटरेस्ट है, राइट? तो ये सब बातें सुप्रीम कोर्ट गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। Then it comes to appointment of Chief Justice of India. President of India appoints Chief Justice of India. And after consultation with Chief Justice, these two people, that is called President of India and Chief Justice of India, appoints other judges of Supreme Court. That is 28 judges. अगर पार्लियामेंट को ऐसा लगता है कि एक आपका बोझ बहुत बढ़ गया है तो देखें पास अ स्पेशल एक्ट और जजेस की संख्या बढ़ा सकते हैं, एड हॉक जजेस। जजेस का क्वालिफिकेशन क्या है मैंने आपको बताया, जज को रिमूव कैसे किया जाता है वो मैंने आपको बताया, इम्पीचमेंट
के अंडर में कौन से जुरिडिक्शन है वो भी मैंने आपको बताया, ओरिजिनल जुरिडिक्शन है, अपेलेट जुरिडिक्शन है, एडवाइजरी जुरिडिक्शन है, और इसके अलावा उसका जो काम है वो है अदर पावर्स। अदर पावर्स में सबसे बड़ा काम क्या है तो कैसे प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ अ सिटीजन, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इज अ गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इफ वी आर बोर्न इन इंडिया एज अ इंडियन बाय बर्थ वी आर ग्रांटेड विद सम स्पेसिफिक फंडामेंटल राइट्स। समझो तो हमको जन्म से ये फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं। अभी भारत की आबादी कितनी है? अप्रोक्सीमेटली 138 करोड़। तो सुप्रीम कोर्ट को ये देखना पड़ता है कि 138 करोड़ पीपल के जो फंडामेंटल राइट्स हैं, इसमें किसी एक का भी फंडामेंटल राइट वायलेट नहीं होना चाहिए। इट्स अ मैसिव टास्क। दैट मींस इतना जितना हम सोचते हैं उतना काम नहीं है। दे वर वेरी वेरी हार्ड वर्क, दे वर वेरी वेरी हेक्टिक वर्क फॉर देम, राइट? ये सारी बातें मैंने बताई थी। फिर उसके बाद पावर से नाउ वी आर कमिंग टू अवर लेक्चर नंबर फोर्थ टॉपिक, दैट इज फॉर सुप्रीम कोर्ट, इज फॉर कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स। देखो मैंने उधर क्या लिखा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जीआर, या आपकी टेस्ट जब ये चैप्टर की आएगी तब ये टेस्ट में भी आपको मैं पूछूंगा, कंफर्म पूछूंगा। शायद इस साल आपकी एग्जाम हो, ये कोरोना का मामला सब खत्म हो जाए, बच्चे लोग आप जब स्कूल आने लगोगे, तो इफ देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ एग्जाम इवन 1% एंड इफ दिस लेसन इज इन योर सिलेबस आई विल आस्क दिस ईयर कंफर्म। अभी मैं समझाता हूं, लर्निंग कर लेना। 2 मार्क का जीआर टेस्ट में भी आएगा, आपके 2 मार्क पक्के हो गए। अभी मैं आपको बता देता हूँ। तो वी आर कमिंग टू द मेन टॉपिक, सुप्रीम कोर्ट इज फॉर कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स। मतलब क्या है, सारा डेटा सुप्रीम कोर्ट के पास होता है। सुप्रीम कोर्ट का जब जन्म हुआ आजाद भारत में, व्हेन इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट, व्हेन आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज फ्रेम्ड, बिफोर इंडिपेंडेंस वी वर वर्किंग ऑन अ जुडिशियल पार्ट ऑफ ब्रिटिश कोर्ट्स। उस वक्त भी कोई कानून थे लेकिन ब्रिटिश कोर्ट्स थे। वंस आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज फ्रेम्ड, देन 3 ऑर्गन्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू एग्जिस्टेंस। वन ऑफ द ऑर्गन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाज जुडिशियल, एंड अंडर दिस जुडिशियल ऑर्गन द चीफ कोर्ट वाज एस्टैब्लिश्ड व्हिच वाज कॉल्ड सुप्रीम कोर्ट। सो ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स इज प्रिजर्व्ड इन सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट मान लो कि 1950 में शुरू हुआ और मान लो कि 1 जनवरी उसका पहला दिन था। अब अगर आप आज जाओ सुप्रीम कोर्ट में और 1 जनवरी का डेटा मांगो, तो उस दिन मान लो कि कोई शायद किसी केस का फैसला आया होगा, तो आप उसके पास वो रिकॉर्ड मांगो कि मेरे को 1 जनवरी 1950 के केस, ये वाला केस का रिकॉर्ड चाहिए, जो आप प्रोसेस करने पड़ते हो, सब करके आप रिकॉर्ड मांगो आपको मिलेगा। है समझ में? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में जो फैसले आते हैं, जजेस जो फैसले देते हैं, वो सारे फैसले हाईकोर्ट में सेंड होते हैं। हाईकोर्ट में से वो सारे डॉक्यूमेंट्स सुप्रीम कोर्ट में सेंड होते हैं। समझ में? हाई कोर्ट में भी उसकी कॉपी रहती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी फिर कॉपी रहती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास भी ये कॉपी रहती है। तो सेकेंडली, आप कोई भी डॉक्यूमेंट मांगो, किसी भी
घंटा किसी भी दिन का आपको मिलेगा। सेकेंड थिंग, अगर कोई इंसान, कोई आदमी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, तालुका कोर्ट में से डिस्ट्रिक्ट में गया, डिस्ट्रिक्ट में से हाईकोर्ट में गया, हाईकोर्ट में से सुप्रीम में गया, और सुप्रीम में जो कोई जजमेंट मिला, ही इज बाइंडिंग विद दैट जजमेंट, ही कैन नॉट चैलेंज दिस जजमेंट, एज आई टोल्ड यू लास्ट लेक्चर, जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट बी चैलेंज, वो मानना पड़ता है, सारे जजमेंट रिकॉर्ड होते हैं, सारे जजमेंट उसके पास रहते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने, मान लो गुजरात का मामला है, दोनों पार्टी गुजरात की है, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा एक्स और वाई के बीच में, हम ऐसे एग्जाम्पलीफाई करते हैं, राइट, प्रोबेबल करते हैं, एक्स और वाई नामक जो पार्टी है गुजरात की, उसका मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट में वो मामला चला और सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया, जो डिसीजन एक्स और वाई के बीच में आया वो एक्स और वाई को तो मानना ही पड़ेगा, लेकिन ये डिसीजन विल बी अप्लाइड टू ऑल द स्टेट कोर्ट्स, ऑल द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इन इंडिया। मान लो कि आज से 5 साल के बाद ऐसी कोई घटना आसाम में बनी, सपोज जैसे गुजरात में आज बनी थी मैंने जो बताया, और ऐसी कोई घटना बनी आसाम में, और आसाम की दोनों पार्टी के लॉयर्स जो अपना केस पुटअप कर रहे हैं, दे विल रिफर टू द जजमेंट ऑफ गुजरात बिकॉज दैट जजमेंट वॉज गिवन बाय सुप्रीम कोर्ट। जो लॉयर्स है आपके, बच्चों के कई पेरेंट्स के लॉयर्स होंगे, कोई भी लॉयर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट में जब वो अपना केस पुटअप करते हैं, तो व्हेन द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज टेकन इनटू कंसिडरेशन, कई सारी ऐसी चीजें हैं, लॉयर्स सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट रिफर करते हैं और जज साहब के सामने पेश करते हैं। जज ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट कैन नॉट रिजेक्ट द जजमेंट डिलीवर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट। मान लो आज एक भावनगर की कोर्ट में केस चल रहा है और इसका उसका फॉर्मेशन कुछ ऐसा था कि ऐसा ही एक केस मान लो तमिलनाडु में आज से 25 साल पहले चला था, तो भावनगर के लॉयर शायद वो जजमेंट ढूंढ के जज साहब के सामने रखते हैं कि देखो आज से 25 साल पहले ऐसा ही केस था तमिलनाडु में और ये केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया है, जज साहब को ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जज साहब ऐसे नहीं बोल सकते कि भाई ये तो 25 साल पुराना बात है, ये तो तमिलनाडु का मामला है, हम तो गुजरात का केस लड़ रहे हैं, ये आज की बात करो ना, तमिलनाडु से कोई मतलब नहीं है, 25 साल से कोई मतलब नहीं है, बहुत पुरानी बात है। नो, ही हैज टू एक्सेप्ट इट, राइट? दैट मींस सुप्रीम कोर्ट की कोई भी बात पूरे हिंदुस्तान में, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, रूलिंग पार्टी, अपोजिट पार्टी, कोई भी पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, कॉमन पीपल विच कैन नॉट रिजेक्ट इट, सबको सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस माननी पड़ेगी। अभी भी मैं कल न्यूज में देखा था, अभी जो फार्मर्स का प्रोटेस्ट चल रहा है दिल्ली में, बराबर, तो सुप्रीम कोर्ट ने कल उसकी सुनवाई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोल दिया फार्मर्स को कि भैया आप दूसरे को क्यों हैरान कर रहे हो, कितना इकोनॉमिक लॉस आता है, कितनी दिक्कतें आती है आम लोगों को, दो तीन स्टेट के लोगों को, आपको प्रोटेस्ट करना है, आप पार्टी बनाओ और सरकार के साथ डायरेक्ट बातचीत करो, बात खत्म करो, आपकी बात रखने के लिए इतना बड़ा प्रोटेस्ट करना, इतना बड़ा झमेला करना, इतने सारे लोग इकट्ठे होने कोरोना काल में, और
बात जबरदस्ती बनवाने के लिए किसी दूसरे को आप हैरान करते हो, ये तो बात सही है ही नहीं। दिस पीपल कैन नॉट आर्ग्यू सुप्रीम कोर्ट कि जलसा भी हमारा राइट है, हम ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे, दे हैव टू लिसन, दे कैन नॉट आर्ग्यू, वरना वो कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट हो जाता। उसकी दलील कर सकते हैं, राइट? यस्टरडे आई वाज गोइंग थ्रू वन और टू न्यूज चैनल्स, वी होप आई वाज वाचिंग दैट, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोला कि आप आंदोलन कर सकते हो, इट इज अ बेसिक फंडामेंटल राइट ऑफ अ सिटीजन, आप प्रोटेस्ट करो, लेकिन आपके प्रोटेस्ट से दूसरे लोग को नुकसान नहीं होना चाहिए, पब्लिक प्रॉपर्टी को नहीं नुकसान होना चाहिए। आपके प्रोटेस्ट की वजह से 3-4 स्टेट जो अघोषित बैन में आ गए हैं, इकोनॉमी को लॉस होता है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता है, उसका क्या? आप अपनी बात बिल्कुल अपने प्लेटफॉर्म पे रखो, आपका सॉल्यूशन निकल जाएगा। मतलब वी आर सपोज टू फॉलो द ऑर्डर्स गिवन बाय सुप्रीम कोर्ट, राइट? एंड दैट इज व्हाई सुप्रीम कोर्ट इज द मोस्ट रिस्पेक्टेबल कोर्ट ऑफ इंडिया, राइट? सो लेट अस सी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स। सुप्रीम कोर्ट इज द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स, अभी मैंने आपको बताया था ना कि मैं आपको ये 2 मार्क का क्वेश्चन डेफिनेटली टेस्ट में पूछूंगा। सो लेट अस सी सुप्रीम कोर्ट क्या बोलते हैं। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स होल्ड्स द एविडेंशियल वैल्यू एंड व्हेन एनी रिकॉर्ड्स फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट आर प्रेजेंटेड नो ऑब्जेक्शन कैन बी टेकन अगेंस्ट इट। कोई भी कोर्ट, मैंने अभी 2-3 एग्जाम्पल दिए हैं, भावनगर में आज उसका केस चल रहा है, तो इधर के जज साहब ऐसे नहीं बोल सकते कि 25 साल पुराना केस है, 30 साल पुराना केस है, ये स्टेट की बात है, आज की बात करो। नो, दे हैव टू रिस्पेक्ट, दे हैव टू एक्सेप्ट, इट इज अ प्रोटोकॉल, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल थिंग, नो लोअर कोर्ट्स कैन रिजेक्ट द जजमेंट डिलीवर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट, राइट? द जजमेंट एंड द डिसीजन of the Supreme Court are considered as permanent document and all are bound to accept it. कोई उसको reject नहीं कर सकता, है समझ में? They are used as references. मैंने आपको reference के बारे में बताया। आज से 25 साल पहले ऐसी घटना तमिलनाडु में हुई होगी और 25 साल के बाद आज भावनगर के lawyer वो reference के तौर पर रखते हैं, तो जज साहब उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते। अरे 25 का 50 साल जो पुराना केस भी रख सकते हैं, है समझ में? दे आर यूज्ड एज रेफरेंसेस बाय द सबॉर्डिनेट कोर्ट्स व्हाइल गिविंग जजमेंट एंड डिसीजन। ईच एंड एवरी जज, चाहे वो हाई कोर्ट के हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज हैं, उसको रेफरेंस में लेते हैं, दे टेक इट टू रेफरेंस, cannot go outside the guidelines of that, right? Any court showing its contempt or disapproval can be punished. अगर किसी भी कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का अपमान किया, उसको खारिज कर दिया, एक्सेप्ट नहीं किया, तो जज पे कानूनी कार्यवाही होती है, कोर्ट में कानूनी कार्यवाही की जाती है, जज पे भी हो सकती है, because the judge has not accepted the judgment delivered by Supreme Court, the verdict delivered by Supreme Court. So, itna importance Supreme Court ka hai. I hope you understood the full topic. Now, we are shifting our focus from Supreme Court to High Court. Okay, children? Now, High Court. Every state has one possible High Court. One of the key position in the continuous hierarchical pyramid, okay? Dusre step, pyramid ka dusra step. Indian judiciary is preoccupied at the state level by High Court. और High Court हर एक state में नहीं होते हैं, state की population के हिसाब से होते हैं, case के हिसाब से होते हैं। मान लो गुजरात हमारा इतना बड़ा state है, गुजरात को High Court है, राजस्थान बड़ा state है, राजस्थान को High Court है, महाराष्ट्र इतना बड़ा state है, महाराष्ट्र के
डिपेंड्स, क्योंकि हाईकोर्ट का बिल्डिंग बनाने से हाईकोर्ट नहीं चलती, जजेस अपॉइंट करने पड़ती है, उसको सुविधाएं लेनी पड़ती है, बाकी कई सारी चीजें सरकार को उठानी पड़ती है लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से, राइट? सो इट इज टेकन इनटू कंसीडरेशन. हाईकोर्ट इज द अपेक्स कोर्ट ऑफ स्टेट लेवल. स्टेट में सबसे बढ़िया कोर्ट कौन है? हाईकोर्ट. मान लो गुजरात की बात करें तो गुजरात की डिस्ट्रिक्ट में जितने भी कोर्ट्स हैं, तालुका में जितने भी कोर्ट्स हैं, वो सब कोर्ट्स इसकी गाइडेंस में काम करते हैं, गुजरात हाईकोर्ट की गाइडेंस में. टाइम टू टाइम गुजरात हाईकोर्ट के जजेस को अदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और तालुका कोर्ट में विजिट लगाते हैं, उसके काम का इंस्पेक्शन करते हैं, सब कुछ होता है, राइट? मैनेज करते हैं सारे कोर्ट्स, और वो रिपोर्टिंग सुप्रीम कोर्ट को करना पड़ता है, राइट? द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स वन हाई कोर्ट टू एवरी स्टेट, बट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ अ पॉपुलेशन, इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द पॉपुलेशन, राइट? ऐसा नहीं कि एक स्टेट बन गया तो एक स्टेट हाईकोर्ट दे दिया, हाईकोर्ट लाना इजी बात नहीं है, राइट? द प्रेसिडेंट हैज द पावर टू फॉर्म वन हाईकोर्ट और टू हाईकोर्ट इन मोर स्टेट्स ऑफ इंडिया. इन इंडिया देयर इज वन कॉमन हाईकोर्ट फॉर द स्टेट ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड चंडीगढ़. ये तीनों तीन स्टेट, चंडीगढ़ तो यूनियन टेरिटरी है, पंजाब हरियाणा छोटे छोटे स्टेट है, तो ये स्टेट के लिए हाईकोर्ट एफोर्ड नहीं कर सकते, तो ये दोनों को मिला के एक हाईकोर्ट दिया है पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ को. सिमिलरली अंडर द ज्यूरिडिक्शन ऑफ हाई ऑफ असम फॉल्स द स्टेट ऑफ मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश. तो ये जो सेवन सिस्टर स्टेट है, छोटे छोटे स्टेट है, सेग्रीगेटेड स्टेट है, आइसोलेटेड, तो ये जो सात स्टेट है, वो सातों स्टेट में से सबसे बड़ा स्टेट कौन है? असम. तो असम का जो कैपिटल एरिया है डिब्रूगढ़, उधर ये सातों स्टेट की हाईकोर्ट लोकेट हुई 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 है. समझ में? दैट मीन्स असम और अदर सिक्स स्टेट्स मेकिंग सेवन स्टेट हैव वन कॉमन हाईकोर्ट. ओके चिल्ड्रन, नाउ फॉर्मेशन. द चीफ जस्टिस ऑफ हाईकोर्ट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, अंडरलाइन दिस वर्ड्स, एंड द गवर्नर ऑफ रिस्पेक्टिव स्टेट. गवर्नर गुजरात का हाईकोर्ट में जो जजेस अपॉइंट होते हैं उसमें तीन लोग हिस्सा लेते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और गुजरात के गवर्नर. ये तीनों के सलाह मशवरे के साथ सीनियरिटी, ट्रैक रिकॉर्ड सब पढ़ के गुजरात हाईकोर्ट के जजेस अपॉइंट गुजरात में होते हैं, राइट? द चीफ जस्टिस ऑफ हाईकोर्ट is consulted in the appointment of other judges of High Court. Same as Supreme Court, जैसे High Court में है, Chief Justice appoint हो गए और जो other judges होते हैं वो Chief Justice को consult करते हैं, फिर उसके हिसाब से judges appoint होते हैं, right? A president is a representative of the Prime Minister and the Cabinet of Minister, and hence only President appoint Chief Justice after the discussion and consultation with the Prime Minister and Cabinet Minister. Higher politics. Prime Minister is elected member, not a selected member. President holds the discussion with Prime Minister. Prime Minister की राय बताते हैं, Cabinet Minister की राय बताते हैं, और वो राय दिमाग में रख के President, Governor साहब या Chief Justice of India से बात करते हैं, फिर वो प्रोसेस करके हाईकोर्ट में जजेस अपॉइंट करते हैं. तो कहीं ना कहीं भैया पॉलिटिक्स आ जाता है, राइट? द एज लिमिट ऑफ द जजेस ऑफ हाईकोर्ट इज 62 इयर्स. सुप्रीम कोर्ट में 65 था, इधर 62 है. दे कैन टेंडर रेजिग्नेशन एड्रेस टू द प्रेसिडेंट. सिर्फ उसी तरह उसको निकाला है तो भी वो ही प्रोसेस करते हैं जैसे सुप्रीम में करनी पड़ती. The President can remove any judge of the High Court through the process of impeachment carried out in the Parliament and on proving the charges. देखो, red print से लिखा है,
एंड ऑन प्रूविंग द चार्जेस ऑफ मिसकंडक्ट और बाय प्रैक्टिस ऑफ द जजेस. अगर किसी जज को इम्पीच करना है तो सारे चार्जेस प्रूव करने पड़ते हैं, और अगर वो प्रूव हो गए तो ही कोई जज को निकाल सकते, इम्पीच कर सकते हैं. है समझ में? The judges of the High Court can be transferred anywhere in India. गुजरात के जो जज साहब है उसको आसाम में जाना पड़ेगा, आसाम के जो जज साहब है उसको तमिलनाडु केरला में भी जाना पड़ता है. ऑल इंडिया ट्रांसफर होती है, राइट? हाईकोर्ट, यस. द नंबर ऑफ जजेस आर नॉट सेम इन ऑल द हाईकोर्ट्स ऑफ इंडिया, डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ स्टेट एंड साइज ऑफ केसेस. गुजरात में जितने जजेस हैं जरूरी नहीं कि उतने ही जजेस राजस्थान में होंगे, उतने ही जजेस मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र होंगे. Depends on size of state and cases, number of cases. If the president feels that the workload of the High Court has increased, then he can appoint ad hoc in charge judges of High Court for a period of 2 years. जैसे Supreme Court में ad hoc judges appoint किए जाते हैं, ठीक वैसी तरह High Court में भी ad hoc judges appoint होते हैं, right? All the work of the Supreme Court and the High Court is carried out in English language. But if legislative assembly of any state passes a resolution that the work of the High Court of related state can be carried out in the language of that state, then the work of the state can be carried out in that state. Basically, अगर गुजरात हाई कोर्ट में जाओ तो सब इंग्लिश में ही बात करते हैं. अगर गुजरात की विधानसभा में ऐसा प्रावधान पास किया गया कि भाई सबको तो इंग्लिश नहीं आती है, कई सारे ऐसे केसेस गाँव में से आते हैं हाईकोर्ट में, तो असल को इंग्लिश नहीं आती है, तो उसके लिए प्रोविजन है कि उसके वकील साहब गुजराती में उसका केस पुटअप करें, क्योंकि गुजरात की सॉरी लैंग्वेज क्या है, गुजराती, गुजराती इज वैलिड, बट द रेजोल्यूशन मस्ट बी पास्ड. क्वालिफिकेशन, एज पर प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन द पर्सन एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड टू द हाई कोर्ट, नंबर वन, शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, should have served in for a minimum 10 years prior and in a judicial court post of a lower court in India. Sorry, in a state. Or in Mandu, Bhavnagar, Jamnagar, Ahmedabad, aise jo courts hai, district courts, usme koi jaj saab kaam kar rahe hai aur uski naukri 10 saal se zyada ho gayi hai, to wo high court mein promote ho sakte hai. Should have at least 10 years of practice as an advocate in high court. अगर किसी वकील साहब को जज बनना है तो उसकी एग्जाम देनी पड़ती है, लेकिन उसका क्वालिफिकेशन क्या है, दैट लॉयर ही और शी मस्ट हैव प्रैक्टिस एज अ लॉयर इन हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 10 इयर्स. ऐसा समझ में? शुड बी डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट, वेल नोन पर्सनालिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स और फेमस लॉ मेकर एज पर ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट की नजर में ये सब क्वालिफिकेशन आना चाहिए, उसके बाद ये बनता है, राइट? द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट हैज टू टेक द ओथ ऑफ सीक्रेसी इन फ्रंट ऑफ गवर्नर ऑफ एनी स्टेट अपॉइंटेड बाय द गवर्नर एंड साइन द प्लेज. फिर ये जो प्रोसेस सुप्रीम कोर्ट में होती है, इसी प्रोसेस हाई कोर्ट में होती है, और हाई कोर्ट के शपथ चीफ जस्टिस देते हैं और हाई कोर्ट में जज बन जाते हैं. वैसे फॉर्मेशन हमारी हाई कोर्ट की है. समझ में? सो दिस वाज माय टॉपिक फॉर टुडे, फोर्थ लेक्चर. इन फिफ्थ लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट ज्यूरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट. वी विल एंजॉय स्टडी, वी आर नॉट इन हरी, राइट? जो भी जैसे जैसी कनेक्टेड बातें मेरे पास आएगी आपको बताऊंगा, शेयर करूंगा, और पढ़ाई के साथ पढ़ाई भी होगी और नॉलेज के साथ नॉलेज भी बढ़ेगा, राइट? सो नाउ इट्स योर होम टाइम फॉर होमवर्क. चलिए कम I hope you lost my
number one. Come. Actually, I lost my black pen. Number one. Supreme Court. Court is called Court of Records. Court of Records. GRA. Important GRA. Number two. Explain the formation of High Court. High Court case 17. Question 3. State the qualification of a judge in High Court. Right? So these are the three questions you are supposed to send your homework. Supreme Court is called Court of Records, that is GR. Explain the formation of High Court. And third, state the qualification of judge in High Court. Three questions. हमारे होमवर्क के लिए पांचवें लेक्चर में हम ज्यादा डिस्कस करेंगे इसके बाद का राइट ओके चलो सी यू इन फिफ्थ लेक्चर टिल देन बाय